हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है सरिता और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सरिता पटेल टैक्स। तो आज की वीडियो में आपको बताने वाली हूँ कि आपको ऐसी कौन सी गलती नहीं करनी है, आपके मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आए, आपका चैनल मोनेटाइज ना हो पाए। तो आपको मैं आज सब कुछ बताने वाली हूँ। काफी लोग काफी मिस्टेक कर देते हैं और उनको लास्ट टाइम पर रोना पड़ता है कि मेरा चैनल मोनेटाइज नहीं हो रहा है, यूट्यूब ने ये बता दिया, यूट्यूब ने ये बता दिया। तो आप लोगों को क्या करना है, आज इस वीडियो को पूरा फुल वॉच करना है और मैं आपको बताऊं कि आपको इसमें प्रमोशन कोड मिल जाएगा। आप प्रमोशन कोड देख लीजिए, उसका मैं चैनल प्रमोट करूंगी नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, आपको कौन कौन सी गलती नहीं करनी है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। उससे पहले जो भी चैनल पे नया है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, क्या होता है, काफी जो नए यूट्यूबर आते हैं उनको नहीं पता होता है कि हम यूट्यूब पर किस तरीके की वीडियो बनाए, किस तरीके की नहीं बनाए। अगर आप टैग यूट्यूबर हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि टैग यूट्यूबर ही ऐसी मिस्टेक करते हैं जिससे उनके चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आती है या उनके चैनल पे रियूज कंटेंट दिखाई देता है। तो आपको क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहली जो बात होती है, आपको क्या नहीं करना है, अगर आपका टैग चैनल है तो आपको सबसे जो पहली गलती है वो आपको नहीं करनी है कि आपको प्ले स्टोर के अलावा जो भी एप्लीकेशन होती है उनके बारे में अपने चैनल पे बिल्कुल भी नहीं बताना है। जैसे कि मान लीजिए आप काइन मास्टर डाउनलोड कैसे करें, आप इसके बारे में बताते हैं कि विदाउट वाटरमार्क काइन मास्टर किस तरीके से डाउनलोड करें, तो आपको ये बिल्कुल भी नहीं बताना है, क्योंकि ये क्या है, गूगल के प्ले स्टोर पर नहीं दिया गया है, इसीलिए ये इलीगल माना जाता है। इससे क्या होता है, हमारे चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाती है, जिससे हमारे चैनल पे बहुत ज्यादा खतरा पड़ता है, हमारे व्यूज भी काफी डाउन हो जाते हैं, इससे हमारे मोनेटाइजेशन में प्रॉब्लम आती है। अब तो आप लोगों को पता भी होगा कि अभी जिसके भी चैनल पे कॉपीराइट स्ट्राइक होगी एक्टिव, तो उसका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमारा ये हो गया। सेकंड पॉइंट की बात करूं, किसी की भी वीडियो को आपको कॉपी नहीं करना है। जैसे कि मान लीजिए हम क्या करते हैं, किसी की वीडियो को कॉपी करके अपने चैनल पे डाल लेते हैं और हम सोचते हैं कि हम 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लेंगे तो हमारा चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। तो आपको मैं बताऊं, ऐसा कभी भी नहीं होता है। आपके चैनल पे कभी भी आप ऐसी गलती करते हैं तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। आप लोगों को भी ये पता होगा कि कभी भी आप किसी का कॉपी करके डालेंगे तो अगर जब आप अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए भेजेंगे तो आपके चैनल पे रियूज कंटेंट आएगा और जिसकी वजह से आपके चैनल मोनेटाइज नहीं होगा यूट्यूब प्रोग्राम की तरफ से। तो आप लोग समझ गए होंगे। जो थर्ड नंबर का पॉइंट है वो है आपका कॉपीराइट इमेज या कॉपीराइट वीडियोस। तो मैं आपको बताऊं, जैसे काफी लोग क्या करते हैं, वीडियो बनाते हैं उसमें कॉपीराइट इमेजेस या कॉपीराइट मतलब वीडियो डालते हैं और वो सोचते हैं कि हम किसी की वीडियो और इमेजेस को डाल के अपने चैनल को मोनेटाइज करा लेंगे, चाहे वो कंटेंट हो आपका। अगर आपने किसी की वीडियो को या किसी की पिक्चर को कॉपी करके अपनी वीडियो में शामिल किया है तो इससे क्या होगा, आपके चैनल पे रियूज कंटेंट आ सकता है। और ये ज्यादातर दिक्कत आती है मोटिवेशनल चैनल के ऊपर, क्योंकि मोटिवेशनल चैनल होते हैं वो क्या करते हैं, वो फोटो और वीडियो को कहीं ना कहीं से लेते हैं और उसके बाद उन मतलब जो जब वो मोनेटाइजेशन के लिए अपने चैनल को भेजते हैं तो उनके पास रियूज कंटेंट आता है, क्योंकि उसमें क्या करते हैं, वो लोग वीडियो या मतलब पिक्चर होती है वो किसी की भी कॉपी करके डाल लेते हैं तो उसके बाद उनके चैनल पे रियूज कंटेंट आ जाता है, क्योंकि वो वीडियो और जो इमेजेस थी वो उनकी खुद की नहीं थी। तो इसके लिए आप अपना एक ऐसी वेबसाइट से अपने वीडियो और पिक्चर को डाउनलोड कर सकते हैं जिससे आपको कॉपीराइट फ्री मिल जाए वहाँ पे। तो आप लोग समझ गए होंगे। तो आपको ये दो तीन मिस्टेक ऐसी बिल्कुल भी नहीं करनी है। और आपको मैं बताऊँ, ऐसी आपको कोई वीडियो नहीं बनानी है जिससे यूट्यूब की वीडियो को आप डाउनलोड करना बताएं अपनी वीडियो में। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे YouTube वीडियो देख रहे हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आप इस वीडियो को डाउनलोड करना YouTube पे बताते हैं कि आप YouTube वीडियो को अपनी गैलरी में किस तरीके से सेव करें, तो ये वीडियो आपको कभी भी नहीं बनानी है। इसके ऊपर आपको क्या होता है, कॉपीराइट स्ट्राइक मिलती है, जिससे आपके चैनल के मोनेटाइजेशन में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो आप लोग समझ गए होंगे, इतने मैंने आपको पॉइंट बताए। मैंने भी काफ़ी गलती कर दी थी ऐसी कि मैंने भी एक बार बता दिया था तो इस मेरे चैनल पर कॉपीराइट स्ट्राइक आई थी। तो आप लोग समझ गए होंगे कि आप लोगों को क्या क्या मिस्टेक नहीं करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं आपसे सही नेक्स्ट वीडियो में।